तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं त्रैमासिक आंकलन सत्र 2022-23 कक्षा 8 के यहाँ पर जो पेपर होने वाले हैं आपका अंग्रेजी विषय का, आज लास्ट है आपका, तो इसका हम पूरा सोल्यूशन देखेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो लास्ट बार है आपका ये पेपर, यानी लास्ट पेपर होने वाला है, तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी आप ऑन कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाले जो वीडियो हैं वो आपसे सबसे पहले मिल सकें और जो भी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर विद्यार्थी को अपनी आईडी नाम और यहाँ पर शाला का नाम भर लेना है। ये तो आप पहले से ही करते चले आ रहे हैं तो आपको याद होगा। इसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पर, अच्छे से पढ़ लेंगे इनको। तो क्वेश्चन दिया गया हमारा, इन द लेसन वाटर फोर टू बैक अ पाई इज मिक्सड विथ, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रेड। ब्रेड मिट्टी में भी मिल जाता है और यहाँ पर बनाने के लिए पानी का भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड दिया है हमारा, द लिटिल बर्ड वाज प्लम्पिंग बट द लिटिल, यहाँ पर द लिटिल गर्ल वाज प्लम्पिंग बट द लिटिल बर्ड वाज, तो यहाँ पर लिटिल बर्ड मिला हुआ है, तो यहाँ पर लिटिल बर्ड, यहाँ पर देख लीजिए दोनों जगह पर लिटिल है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देखेंगे। ऑप्शन दिए हैं आपको टॉल, थिन, शॉर्ट और लॉन्ग, तो इनमें से आपको आंसर यहाँ पर ढूंढना है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा आपका थिन। यहाँ पर मैंने जो आंसर है यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर डिस्कवर करके, मतलब खोज करके यहाँ पर सही यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर दूसरे चैनलों को देखकर आप यहाँ पर गलती मत कर लेना। यदि कोई डाउट है तो कमेंट में जाकर जरूर पूछ सकते हैं आप। यहाँ पर आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं। इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है, डिड यू लीव होम, तो इसका मतलब क्या तुम घर छोड़ रहे हो, तो क्या पूछेंगे तो क्या मतलब, तो यहाँ पर होता ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पर वैन, व्हाट, हु और हियर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सही वैन, यानी तुम रूम कब छोड़ रहे हो। यहाँ पर होता क्यों छोड़ रहे हो, तो क्यों तो इसमें दिया नहीं है, तो यहाँ पर वैन ही लगा देंगे, तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आ ट्रेन इज देन द बुल्क कार्ट, तो यहाँ पर पता होगा आपको ट्रेन है, तो यहाँ पर जब भी आपको यहाँ पर देन मिलता है, यानी किसी वाक्य में देन दिया हो, इसमें इसी प्रकार के ऑप्शन दिए हों कि लास्ट में ER दिया हो, EST दिया हो, EN दिया हो, तो इसका हमारा सही हो जाएगा फास्टर, तो इसमें ER वाला सही होता है देन के साथ में, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर दा दिया होता तो EST वाला सही होता। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, तो यहाँ पर इसको समझ लिए, आई लाइक क्लाइंबिंग ट्रीज़, बी कैन ऑल्सो राइट दिस सेंटेंस एज, मुझे पेड़ों पर चढ़ना बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये लाइन हमेशा लिखता हूँ ये वाक्य एज, क्योंकि आई लाइक ट्रीज़, तो इसमें ऑप्शन दिए हैं क्लाइंब, टू क्लाइंब, क्लाइंबिड और क्लाइम्स, तो इनमें से देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, टू क्लाइंब यहाँ पर, टू क्लाइंब का और क्लाइंबिंग का मतलब दोनों का मतलब होता है चढ़ना, तो दोनों का सही आंसर हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा टू क्लाइंब, ध्यान रखेंगे, या तो ING वाला भरेंगे या फिर टू वाला भरेंगे, तो ये दोनों ही एक ही सेंस निकालते हैं, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका टू क्लाइंब। यदि ऑप्शन में क्लाइंबिंग होता तो भरते, यदि नहीं दिया है तो आप क्या भरेंगे, टू क्लाइंब, आगे से ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर छठवां देख लेते हैं क्या दिया है, तो इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देयर वाज अ ब्राइट स्टार इन द स्काई, इट्स वाज मोर देन द अदर स्टार्स, तो यहाँ पर ऑप्शन मैंने पहले बताया था, यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं ब्राइटली, ब्राइटेंड और ब्राइटेन, यहाँ पर ब्राइटनेस, तो इसका देख लीजिए यहाँ पर देन लगा हुआ है, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा, ER वाला नहीं दिया है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा ब्राइटेन, यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। पूरे क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल एक आपका जो यहाँ पर मिलने वाला है वो सभी रियल आंसर है यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर जो आंसर हैं वो पूरे खोज करके यहाँ पर बिल्कुल सही से निष्कर्ष निकाल कर यहाँ पर दिए जा रहे हैं, तो एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका गलत नहीं होगा। यदि कोई डाउट है तो कमेंट में जाकर आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, जो आंसर दिए उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना और नीचे दिए क्वेश्चनों के आंसर देना। तो यहाँ पर लिखा, दे टुक अ टैक्सी टू द रेलवे स्टेशन, द ट्रेन वाज हाफ एन लेट अवर, यहाँ पर अवर लेट, ही गॉट अ विंडो सीट एंड सादा ग्रीन फील्ड पासिंग बाय, दे गॉट डाउन एट अ स्मॉल स्टेशन फ्रॉम देयर, दे टुक अ साइकिल रिक्शा टू द बस स्टैंड, दे बोर्डेड द बस टू द ब्लेज देयर, यहाँ पर वेयर देयर ग्रैंड पेरेंट्स लिव्ड, जहाँ पर कि उसके बड़े माता पिता हैं वो रहते थे। तो यहाँ पर क्वेश्चनों के आंसर लिखना है, या दे ट्रेवल्ड ऑन द बस देयर ब्लेज, तो यहाँ पर आंसर देख लेंगे, इनके आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, ये लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर अच्छे से पढ़ लीजिए, ये दिए हैं सभी के आंसर चारों के, तो पहले का क्या है लिख पढ़ लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर दिया कन्वर्सेशन करना है, यहाँ पर
तो कंप्लीट द कन्वर्सेशन बिटवीन यहाँ पर दिया है आशा और बीना, बीना के बीच में जो बातचीत हो रही है उसको यहाँ पर हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से क्वेश्चन ये दिया गया है, इसका आंसर भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो अच्छे से इनको नोट डाउन कर लीजिए। यदि चैनल अच्छा लगता है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया हमारा का, अगला क्वेश्चन है आपका 9। तो 9 में को देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रीड द, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी जो नीचे दिए गए उनके आंसर आपको देना है। यहाँ पर ये अनसीन दी गई, इसको अच्छे पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर आंसर देना है। यहाँ लिखा है हु इज द पोएट टॉकिंग इट टॉकिंग टू, मतलब कौन सा जो यहाँ पर कवि है जो यह बात कह रहा है, यानी कवि का नाम बताना है यहाँ इस वाले में, पहले वाले में। तो कवि का नाम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, आपसे विशेष यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो आगे आने वाले पेपर हैं उनका भी सलूशन आपको बिल्कुल ऐसे ही मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर लिखा है अप अबोव द वर्ल्ड सो हाई मीन्स द स्टार आर, कैसे हैं इन द होल्ड वर्ल्ड यानी संपूर्ण में हैं, अराउंड द वर्ल्ड इन द स्काई क्लोज टू द वर्ल्ड, यानी इसका लिखा अप अबोव द वर्ल्ड सो हाई। ठीक है, यहाँ पर इसका लाइन का यहाँ पर आपसे अर्थ पूछा है, तो इसमें आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आंसर, तो इसका आपको तीनों का आंसर दिखने वाला है, व्हाट डज द स्टार साइन लाइक। तो तीनों के आंसर यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको, अच्छे से नोट डाउन इनको कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या दिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 10, यहाँ पर इसका डी और दिया है लास्ट, तो इसको भी देख लेते हैं। फाइंड आउट आर बर्ड विच इज़ द अपोजिट ऑफ द लो, यानी बर्ड का, इस बर्ड का हमें क्या बताना है, लो शब्द का यहाँ पर अपोजिट बताना है। तो लो का हो जाएगा आपका, लो का यहाँ पर विलोम शब्द होता है हाई, HIGH, आपने सुना होगा लो प्राइस और हाई प्राइस, ठीक है, लो और हाई, तो यहाँ पर इसका सही हो जाएगा, लो का होता है हाई, आपका होता है डाउन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा दिया है यहाँ पर 10वां दिया गया है, रीअरेंज द गिवन वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे ऑक्योर इन द डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी में आपके जिस प्रकार शब्द यहाँ पर छपे होते हैं उसी क्रम में आपको इनको लिखना है। तो आपको ए बी सी डी आती होगी, उसी जिस प्रकार से ए बी सी डी आप लिखते हैं उसी प्रकार से आप इनको जमा देंगे। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से जमाना है, यहाँ पर तो देख लेंगे, तो यहाँ पर पहले में किसको जमाएंगे, तो यहाँ पर ए बी सी डी में सबसे पहले कौन आता है, तो यहाँ पर देख लीजिए अक्षर दिए हैं आपके, तो यहाँ पर दिया है सी पी एम एस वी एम ई और एस। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका इनमें से सबसे आगे आने वाला अक्षर है हमारा सी, तो पहले नंबर पर हम लिखने वाले हैं सी को। फिर दूसरे बाद सी के बाद क्या आता है आपका, तो यहाँ पर पढ़ेंगे तो सी के बाद आपका जो दूसरा शब्द आने वाला है, इसके बाद आने वाला है आपका एक्स एक्स मतलब एक्सीलेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, इसके बाद मतलब अगला कौन आने वाला है, ई के बाद आपका देखेंगे यहाँ पर तो कौन सा शब्द आएगा आपका, तो यहाँ पर आपका आने वाला है देख लीजिए अच्छे से, पी आएगा या एम आएगा, तो एम एन ओ पी, तो यहाँ पर एम आने वाला है, तो एम दो दिए हैं, यहाँ पर एम के बाद ई है, यहाँ पर एम के बाद ई है, यहाँ के बाद एम ई एम है, यहाँ पर एम ई ए है, तो यहाँ पर दूसरा हमारा जो क्या हो जाए, तीसरा वाला वर्ड जो होगा वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनको आंसर अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, नीचे दिख रहा होगा आपको आंसर, तो अच्छे से इसी प्रकार से नोट डाउन कर लेना है आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है, इसको भी देख लीजिए, 11वां दिया गया है, 11वां में क्या करना है आपको यहाँ पर देख लेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है रीड द क्वेश्चन, यहाँ पर जो रीड द आपको यहाँ पर करनी है यानी रीड कर लेना अच्छे से। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं पहले क्या दिया है, अनसीन दी गई, इसके आंसर भी देना है। तो इन द विलेज वन लिव्ड अ शेपर्ड, ही वॉज वेरी पुअर, ही डिड नॉट हैव सी इवन अ टिनी कॉटेज ऑफ हिज ओवन, ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट, फॉर देयर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज। तो यहाँ पर ये दिए गई थी अनसीन, इसको पढ़ लेते हैं, अब इसमें दिया है आंसर पढ़ लेते हैं, क्या दिया है आंसरों को यहाँ पर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, लिखा वेयर डिड द शेपर्ड लिव, यानी शेपर्ड कहाँ रहता था, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कहाँ रहता था, इन अ विलेज, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा इन ए विलेज, इसको लिख लीजिएगा इन अ वी आई डबल एल ए जी ई इन अ विलेज, तो यह हो जाएगा हमारा इसका आंसर कहाँ रहता था, गाँव में। इसके बाद लिखा है भाई डिड द शेपर्ड नॉट लर्नेड टू रीड एंड राइट, यानी वो पढ़ा लिखा क्यों नहीं था, क्यों नहीं पढ़ पाया,
क्यों नहीं पढ़ पाया? क्योंकि उन दिनों में क्या था कि वहाँ पर बहुत ही कम स्कूल थे। तो यहाँ पर लिखेंगे इन, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ से लिखेंगे, देखिए दूसरा फोर फोर देयर देयर वर देयर वर फ्यू वेरी फ्यू VERY वेरी फ्यू फ्यू स्कूल्स, अच्छे से लिख लेना है आपको पूरी लाइन, ये उसी में लिखना है फ्यू स्कूल्स इन दैट डेज इन दोज डेज। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड का आंसर है, अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स मैनी एंड बिग फ्रॉम द पैसेज। तो यहाँ पर इन शब्दों के आपको अपोजिट लिखना है। तो यहाँ पर इनके आंसर देख लीजिए, तो हमारा यहाँ पर मैनी का होता है आपका फ्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्यू FEW, तो अच्छे से लिख देते हैं FEW फ्यू एंड स्मॉल। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल यहाँ पर दिया नहीं है इसमें, पूरे मानसिन में कहीं स्मॉल नहीं दिया है, तो स्मॉल का हमारा दूसरा शब्द है यहाँ पर जो लिखना है आपको टिनी TINY, तो यहाँ पर इनका लिख लेंगे, तीसरे का आंसर है ये हमारा। इसके बाद चौथा क्या दिया है, एज पर द पैसेज बी वुडंट। ठीक है, तो यहाँ पर वुडंट लिखा है, इसमें क्या लिखा है, इफ़ वी डोंट गो स्कूल, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, इसका आंसर अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 12 है, तो 12 का किस, यहाँ पर करना आपको सही जोड़ियाँ मिलानी है, मतलब तो यहाँ के हिसाब से आपको यहाँ पर भरना है। यहाँ पर मैं सही जोड़ियाँ लिख देता हूँ, तो आपको किसको लिखना है, तो ये हमारा पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा कॉलम है, तो इसी प्रकार से मैं आपको यहाँ पर मिला देता हूँ। तो आपको यहाँ पर इस कॉलम में भर लेना है। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है टुडे नेवर कम्स, यानी कल कभी नहीं आता है, तो मतलब जो करना है सब आज ही कर लीजिए, यानी आज के लिए ही यह सब। तो यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया है, यहाँ पर इसको देख लीजिए, ये दिया गया है, तो अच्छे से इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, देख लीजिए पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर लिखा है, इसका आंसर यहाँ से देखेंगे आप, ये दिया हमारा कॉलम, तो इसको देखेंगे, तो यहाँ पर लिखा है टुडे मतलब टुमारो नेवर कम्स, यानी कल कभी नहीं आता, तो यहाँ पर इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे आप, तो इसका हमारा आपको मिला देना है, किससे मिलाएंगे आप, इसका मिलाएंगे इससे, यानी ऑलवेज बी डिसिप्लिनड इन योर डे टू डे लाइफ, यानी प्रतिदिन की जो ज़िंदगी आपकी दिनचर्या हो उसमें आपको हमेशा यहाँ पर डिसिप्लिन रहना चाहिए, मतलब काम समय पर करने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक्शन स्पीक लाउडर देन अ वर्ड, तो यहाँ पर एक्शन, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका देखेंगे, वर्किंग टुगेदर इज प्रोबेबिलिटी, या फिर ईटिंग प्रॉपर फूड, या फिर व्हाट वन डज ही डज इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट वन सेज, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ये वाला ऊपर वाला, देखेंगे यहाँ पर इसका मिलाएंगे आप इससे। अगर लिखा है अवर्ड इन हैंड इज बोर्थ टू द ब्रस टू द बस, तो यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर लिखा है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी, तो यहाँ पर लिखेंगे, देख लीजिए यहाँ पर इसका हम सही मिला देंगे, इसकी सही जोड़ी है, दूसरे कलर से मिलाते हैं क्योंकि यहाँ पर एक कलरिंग हो जाती है तो अलग अलग हो जाएंगे, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ये वाला। इसके बाद लास्ट आपका जो मिला हुआ है, तो वो यहाँ से इसका इसका मिला देंगे। अगला देखेंगे, तो इसका अच्छे से आपने मिला लिया होगा आशा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कोई डाउट अगर है आपको तो कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद दिया है ये उसी का है, और जो मतलब जो शब्द है इसी का लिखा हुआ है क्योंकि उसमें बन नहीं रहा था, तो ये वाली आपकी हमने पहले ही मिला लिया है ये वाले। इसके बाद ये नीचे दिया गया है, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, तो इसका है। और इसके बाद अगला दिया है, यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ, तो इसका देखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। यहाँ पर और क्या है आपका, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर दिया था क्या, तो वर्किंग टुगेदर इज़ प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पर सॉरी फ्रेंड इनका अलग अलग हो गया है, तो यहाँ पर मैं आपको आंसर लिख देता हूँ यहाँ पर। तो इस वाले क्वेश्चन का आप यहाँ पर आंसर देख लीजिए, यहाँ पर आपको आंसर दिख रहे होंगे, तो अच्छे से इनको नोट डाउन आपको कर लेना है, ये कॉलम पूरे भर लेने हैं जो यहाँ पर आंसर दिए हैं, सबके नोट डाउन आप कर लीजिए यहाँ पर।
ठीक है। यहाँ पर थोड़े थोड़े आपको अक्षर दिख रहे होंगे, तो आप इन्हें में से पूरा नोट डाउन कर लेंगे। इसमें जो दिया है इस वाले कॉलम में, इसमें से आपको नोट डाउन यहाँ पर कर लेना है। तो आशा है कि आपने अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें भी आपको इनके आंसर दिख रहे होंगे, यानी इसका क्या आंसर है, इसका क्या आंसर है, तो आपको इसका अच्छे से नोट डाउन यहाँ पर कर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा जो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है हमारा 13 है, तो इसमें क्या करना है देख लीजिए। यहाँ पर इसमें रीड द पोएम एंड कंप्लीट द समरी, समरी कंप्लीट करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार से ये समरी दी गई है, इस प्रकार से दी गई है, इस समरी को आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको दिख रहा होगा, यदि नहीं दिखता है तो कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं, तो आपको अगला जो वीडियो है वो ही आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, इसको एक्सट्रैक्ट को पढ़ लेना है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए उनके आंसर आपको देना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, इसको देख लेते हैं क्या दिया है। व्हाट वाज द रेड क्लॉथ विच द ड्राइवर से सा, क्या देखा। तो यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर, यहाँ पर रेड क्लॉथ से मिलता जुलता क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, व्हाट वाज द रेड क्लॉथ विच द ड्राइवर सा, यानी ड्राइवर ने क्या देखा। तो इनका आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर दिया क्वेश्चन हमारा बा, यहाँ पर आगे देख लेते हैं इसका आंसर यहाँ पर आपको मिलने वाला है या फिर आगे, तो यहीं पर देखेंगे इसका आंसर भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पर, तो इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला दिया है यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर दिया है आपका तीसरा, यहाँ पर चौथा, ये पाँचवा, और यहाँ पर लास्ट दिया है आपका। तो यहाँ पर देख लेंगे अप्लाइड मीन्स क्या होता है। तो यहाँ पर सोड, यूज्ड, पुल्ड या स्टॉप। तो यहाँ अप्लाई मतलब होता है लागू करना, यानी यूज्ड। इसके बाद अगला जो आपका दिया है उसको देख लेते हैं, यह दिया गया हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर। इसके बाद मतलब ये दीर्घ उत्तरीय का है, थोड़ा और रह गया, दो क्वेश्चन और रहेंगे। इसमें आपको क्या लिखना है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग अबाउट योर पिकनिक ट्रिप, यानी ट्रिप यहाँ पर ट्रिप के बारे में बताना है, या फिर समर वैकेशन के बारे में आपको लेटर लिखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है 16, तो 16 में आपको यहाँ पर क्या दिया है, इसमें करना है आपको एक पैराग्राफ राइटिंग आपको यहाँ पर करनी है। तो इसका आंसर भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा। लास्ट हमारा क्या दिया है, इसमें लिखा है एनी वन टॉपिक पर आपको 5 से 8 टेंस यहाँ पर लिखना है, चाहे तो आप इसके बारे में लिख दीजिए बेडरूम के नाम में, या फिर आपको क्लासरूम के नाम पर आप लिख सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया आपने अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।